कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए थे यहाँ पर फसो फसो में, मैं यहाँ घूम रहे थे तो हम लोग पामिर पिज़्ज़ा आए, पामिर पिज़्ज़ा हमने देखा, तो हम पामिर पिज़्ज़ा आ गए। तो वहाँ पर अभी ऑर्डर करके मैं खा के आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं घूम रहा था तो मैंने शॉप देखी नेस्कैफे, और उसके उसके अंदर लिखा था यादगार कॉफ़ी शॉप। तो मैंने उससे आगे वाली शॉप देखी, वही बंदा चला रहा था उस शॉप को। तो मैं आगे वाली शॉप आगे वाली शॉप पे भी लिखा हुआ था यादगार कॉफ़ी शॉप। तो जैसे गाड़ी पर मैंने तो उसी के ऊपर भी यादगार कॉफ़ी शॉप लिखा था, और वो बंदा वहाँ पर चाय बना रहा था। मैंने वो उधर उस उधर हर एक मुल्क की करेंसी चिपकी हुई थी, मीन्स के हर एक मुल्क के पैसे की करेंसी वहाँ पर चिपकी हुई थी। मैंने पूछा कौन से चिपका है, ये जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, ये वो बंदा कह रहा है ये जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं ये चिपका के जाते हैं, और ये मिडिल पॉइंट है इसमें आके चिपका के जाते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये वो ये चेक करते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, और वो लोग अगली दफ़ा आते हैं तो वो लोग वापस देखते हैं कि वो लोग वो नोट वहाँ पर ही है, पता चलता है कि हम लोग किस डेट पर आए थे और किस टाइम आए थे। तो ये डबल टेप पे चिपके हुए थे, और मैंने कहा ये आप निकालेंगे तो ये फट जाएंगे फट जाएंगे। वो बंदा कह रहा था कि ये पेन से साइन करवा के लाते हैं कि ये पैसे ज़ाया नहीं हो, ये बस एक पेपर हो, ये आपको चिपका देंगे असली नोट ये वहाँ पर चिपका देंगे, और ये बस ये ज़ाया नहीं होंगे, वो पैसे मैं इनके पास रहेंगे उनके पैसे पर, वो लोग वैसे ही एक ला के यहाँ पर लगा देंगे। और तो मैंने वहाँ पर देखा उधर बंदों के नाम भी लिखे हुए थे और चीज़ें भी ड्रॉ थी, और वहाँ पर पेन भी था जिससे लिखना स्टार्ट किया। मुझे पूरी कहानी समझ नहीं आई, तो मैं आपको शॉप दिखाता हूँ। देखिए ये शॉप है, वो ये शॉप नेक्स्ट कैफे, इधर कोई ड्रिंक्स और नेस्ले की जूस और हर फ्लेवर का जूस, और यहाँ पर कॉफ़ी है, और वहाँ पर वो बंदा चाय भी बना रहा था। तो मैं आपको चल के दिखाऊंगा। और यहाँ पर इधर लिखा है हुसैनी जिप लाइन एंड स्काई साइकिल, और यहाँ पर लिखा है हुसैनी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या मतलब है। तो गाइस मैं आप लोग को बाद में शॉप दिखाऊंगा, अभी अभी मैं बाद में नहीं अभी शॉप दिखाऊंगा, मेरा ज़रा गया एग्जाम होगा। तो चलो उस शॉप की तरफ चलते हैं। चलो मैं आपको शॉप के अंदर जाके वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग को दिखाऊंगा कि उस शॉप के अंदर क्या क्या है। तो ये शॉप है गाइस, और इसके अंदर पैसे अलग अलग कंट्रीज की करेंसी, और साथ में अलग अलग बंदों ने अपने नाम छोड़ के गए। ये जब वापस आते हैं ये नोट यहाँ पर ही लगे रहते हैं, और वो देख के खुश होते हैं कि हम लोग यहाँ आए थे, और उनको पता चलता है कि हम लोग किस डेट पे आए थे। और यहाँ पर स्टोन्स भी लगे हुए हैं जिनके अंदर ऊपर बंदों का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक पेन भी है गाइस, आप देख सकते हैं मुझे अभी नजर पड़ी पेन है, पता नहीं इस पेन का उसके ऊपर कोई सिल्क टाइप कुछ लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई कॉइन है, कोई बंदा छोड़ के गया होगा, यहाँ पर किसी लड़की और यहाँ पर फ्लैग है, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई मेहमान आए एक सेकंड, और यहाँ पर एक बंदे की तस्वीर भी लगी हुई है जिसका नाम है डेनमार्क, जिसने यहाँ पर एक $1 और पाकिस्तानी 500 रुपीस लगा के किया हुआ है, और यहाँ पर डॉलर्स के भी नोट बहुत ज्यादा हैं। मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान करेंसी यहाँ पर वो है, और यहाँ पर एक और बंदी की तस्वीर है पोलैंड। तो अगर वो वीडियो देखता होगा तो अपनी तस्वीर देखेगा, और यहाँ पर कोई पेंटिंग भी है, और साथ में 500 का कोई कॉइन भी है। मुझे इतना ज्यादा करेंसी के बारे में नहीं पता। और यहाँ पर अब्दुल समद डीसी ऑफिस से भी, और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बुक्स भी हैं, और जनरेटर, और साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी आप लोग को बाहर में चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई स्टैचू भी है, बाहर आपको बैकग्राउंड में आवाज आएगी पर उसको इग्नोर करें आप लोग चीजों को चेक। और यहाँ पर एक कॉफी का वो भी है, जनरेटर है कि अगर लाइट चली जाए तो इमरजेंसी
जिससे वो लोग चिपकाएं और नहीं है चिपकाएं कह रहा हूँ, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें अपने गेस्ट को और मशीन और साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। और गाइस आप लोग यहाँ की ब्यूटी भी चेक करें, यहाँ पर गेस्ट इस वजह से आते हैं सर कि ब्यूटी इतनी प्यारी है और बहुत प्यारी जगह है ये। और यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये मिडल पॉइंट है, इस जगह में हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ की लोग भी बहुत अच्छे हैं और वो लोग चीज़ें भी अच्छी प्रोवाइड करेंगे। और आप लोग भी यहाँ पर आएँ और चीज़ें देखें। और मैं आप लोग इस जगह की लोकेशन भी बताऊँगा। ये आप अगर हुंजा आते हैं तो इस जगह में ज़रूर आएँ। ये हुंजा में, हुंजा से आप आगे जाएंगे गुलमित में आप थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो यहाँ पर है ये इस जगह का नाम होगा फसो। तो फसो में ये नेस कैफे लोकेटेड है। इस जगह में आप भी आके अपना अपने आप पैसे लगा के उसका अपना नाम लिख के और यहाँ पर आप चिपका सकते हैं और आप वापस आएंगे तो वहाँ पर ही रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।